हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश अमान। इस वीडियो में हम डिस्कस करें कि अनवांटेड 72 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, अनवांटेड 72 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अनवांटेड 72 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये भी डिस्कस करें कि अनवांटेड 72 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और ये भी जानेंगे कि अनवांटेड 72 टैबलेट को लेने के बाद पीरियड्स कितने दिन बाद आते हैं। अनवांटेड 72 टैबलेट एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है जिसका उपयोग महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। अनवांटेड 72 टैबलेट का उपयोग इमरजेंसी होने पर ही किया जाता है, इसलिए अनवांटेड 72 टैबलेट को हर रोज या बार बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनवांटेड 72 टैबलेट के अंदर हार्मोन की हाई डोज मौजूद होती है जिसको हर रोज या बार बार लेना सही नहीं होता है। अनवांटेड 72 टैबलेट को इंटरकोरस के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना चाहिए और इंटरकोरस के 72 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। अनवांटेड 72 टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अनवांटेड 72 एक ब्रांड नेम है। अनवांटेड 72 टैबलेट के अंदर साल्ट कंपोजिशन लिवोनोर्जेस्ट्रेल 1.5 mg होता है। अब हम डिस्कस करें कि अनवांटेड 72 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अनवांटेड 72 टैबलेट की वजह से पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अनवांटेड 72 टैबलेट की वजह से उल्टी आने का मन होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, शरीर में थकान व कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, दस्त और ब्रेस्ट में ढीलापन व दर्द हो सकता है। अनवांटेड 72 टैबलेट की वजह से पीरियड्स आने में देरी हो सकती है या समय से पहले भी आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करें कि अनवांटेड 72 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको अनवांटेड 72 टैबलेट को लेने के बाद 2 घंटे के अंदर वोमिटिंग हो जाती है तो आपको अनवांटेड 72 टैबलेट की दूसरी डोज लेनी पड़ सकती है। अनवांटेड 72 टैबलेट एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर आप पहले से प्रेग्नेंट हैं तो आपको अनवांटेड 72 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अनवांटेड 72 टैबलेट ओवरी से एग को रिलीज होने से रोकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। अनवांटेड 72 टैबलेट माँ के दूध में बहुत कम मात्रा में निकलती है जो दूध पीने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। स्तनपान करा रही महिलाएं अनवांटेड 72 टैबलेट को ले सकती हैं, लेकिन स्तनपान करा रही महिलाओं को अनवांटेड 72 टैबलेट को लेने के बाद 8 घंटे तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए और 8 घंटे बाद पंप की मदद से अपनी ब्रेस्ट से दूध को निकाल देना चाहिए और उस दूध को डिस्कार्ड कर देना चाहिए और उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा अनवांटेड 72 टैबलेट के साइड इफेक्ट से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अगर आपको अनवांटेड 72 टैबलेट को लेने के बाद 3 से लेकर 5 सप्ताह के बाद भी पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है तो हो सकता है कि आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो। इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर हो जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अनवांटेड 72 टैबलेट को लेने के बाद ज़्यादातर महिलाओं में पीरियड्स उनके एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर आ जाते हैं और कुछ महिलाओं में पीरियड्स उनके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में 5 से लेकर 7 दिन की देरी भी हो सकती है। यदि आपको एक्सपेक्टेड टाइम से 1 सप्ताह बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई हो। कंफर्म करने के लिए आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिन महिलाओं का वजन 80 किलोग्राम से ज़्यादा है उन महिलाओं में अनवांटेड 72 टैबलेट प्रेगनेंसी को रोकने में फेल हो सकती है। अनवांटेड 72 टैबलेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोगों और HIV से बचाव नहीं करती है, इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोगों से बचाव के लिए आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।